एएमआर का शिकाई नंबर वन, 6 रील में शायद से कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। और ये धागा भी 84, ये देखिए ये हमारे वीर चक्र है, ये 84 मांगा, ये अयान टॉप स्टार। अब ये धागा कौन सा है, ये 84 लिखा हुआ है, और बशीर बैग का नंबर वन आ गया 84 पर कलर। दिस इज़ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम बीकानेर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बीकानेर है और यहाँ पे हम आए थे कुछ कवरिंग करने के लिए, जो था ऑल इंडिया बीकानेर टूर्नामेंट 2023। उसके अलावा कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आप बीकानेर आए हैं तो यहाँ कुछ काइट शो को भी कवर कीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके आने वाली है और जो बीकानेर का सीज़न रहता है जहाँ पर जिस टाइम पर उड़ती है बीकानेर में काफ़ी पतंग है, तो उसी चीज़ के अंदर उसी को सोचते थे कि ना थोड़ा सा टाइम मिला है तो आज कुछ कवर किया जाए, तो उसी में आप कवर करने वाले हैं। आपके सामने जो शॉप दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है शिवजी भाटी राइट, शिवजी भाटी पतंग वाले हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। ये कुछ उनका शॉप का एंट्रेंस रहता है कुछ इस तरीके से, देखिए पूरा पतंगों का यहाँ पे वो लगा हुआ है, और चलते हैं अंदर बताएंगे कुछ दिखाएंगे क्या क्या स्टॉक रहता है, और थोड़ा सा जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे बीकानेर के सीज़न के बारे में, क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप है बीकानेर में, तो थोड़ा सा नॉलेज देंगे यहाँ के बारे में। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विजेता यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नीचे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ बीकानेर पतंग प्रतियोगिता 2022। जी हाँ दोस्तों, ये इनको मिला था ट्रॉफी, मिली थी बहुत ही बढ़िया, कितनी बड़ी ट्रॉफी है और बहुत अल्टीमेट है। और ये कुछ इस तरीके से शॉप है जो अंदर चलते हैं, यहाँ पे शॉप को कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँगा मैं आपको, तो ये पूरा कवरअप करेंगे आज हम। आपको थोड़ी सी फ़ोटोज लेना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ऑनर है जो अंकल है बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं, उनसे मिलना होता भी उनको मिलवाएंगे आपसे। और रहता देखिए कब कब की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, देखिए पूरा पलक काइट क्लब दिल्ली, तो कुछ गेम्स की फ़ोटो है यहाँ पे, और बहुत ही पुरानी काइट शॉप है ये बीकानेर की। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से कुछ इनका रहता है, ये देखिए शिव जी भाटी पतंग वाले, तो ये हम पूरा कवर करेंगे, आपको पूरा एड्रेस मिलेगा क्या क्या स्टॉक यहाँ पे है, और अक्षय तृतीया जो बीकानेर का सीज़न है उसके लिए क्या क्या तैयारी करी है। देखिए चाइनीस मंजा नहीं रखते हैं, चाइनीस मंजा मांगकर समय बर्बाद ना करें, बहुत सब कुछ यहाँ पे है, कुछ और ट्रॉफीज भी यहाँ पे रखी हुई हैं। ओके, ये आपका है रजेश जी भाटी जी रखा हुआ है यहाँ पे, श्री कृष्ण जी स्वामी मेमोरियल पतंग प्रतियोगिता 2021-2022, कुछ यहाँ पे हैं और भी यहाँ पे देखिए विक्टोरिया काइट क्लब कोलकाता, थोड़ा सा फ़ोटो देखते हैं यहाँ पे, रोशनी है यहाँ पे, तो जानेंगे मिलते हैं ऑनर से, मिलवाते हैं पूरा, और सर भी आ चुके हैं तो पूरा कवरअप करेंगे यहाँ पे, और कोशिश करेंगे जो भी बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हम आपको दिखा सकें यहाँ पे। आपको पूरे सर्टिफिकेशन देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया, यहाँ पे देखिए ये रखे हुए हैं सर्टिफिकेशन, ऑल इंडिया फ्लाइंग टूर्नामेंट कोलकाता 2018, इस दिल्ली काइट प्लेइंग एसोसिएशन लिखा हुआ सर्टिफिकेट, एक यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली स्टेट काइट प्लेइंग एसोसिएशन, काफ़ी यहाँ पे सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, देखिए डेजर्ट काइट फेस्टिवल का भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सब यहाँ पे हैं, तो आज मिलना होगा ऑनर से। और आपको हम ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस चैम्पियंस ट्रॉफी डेजर्ट काइट फेस्टिवल की, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल, तो आज हम आपको बताएँगे मिलवाएँगे और पूरा जानेंगे क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या यहाँ पे प्रिपरेशन है, और कैसा रहता है अक्षय तृतीया का यहाँ पे, और सीज़न में क्या क्या रहता है, और बिना सीज़न के भी यहाँ पे कैसे रहती है, कैसे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो चलते हैं यहाँ पे और पूरा कवरअप करते हैं और दिखाते हैं यहाँ का बेस्ट स्टॉक आपको। दोस्तों चलते हैं, मिलवाते हैं आपको शिवजी भाटी पतंग वाले के ऑनर से, जो हमारे अमित भैया है, अमित भैया और साथ में बैठे अंकल जी भी बैठे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं अमित भैया के पास। अमित भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बढ़िया भैया। और अंकल जी नमस्ते आपको। तो थोड़ा सा शॉप के बारे में, कितनी पुरानी ये शॉप है फर्स्ट ऑफ ऑल? भैया ये काम मेरे दादाजी ने चालू किया था, 1970 से चालू है अपना काम। अगर हम काउंट करें यहाँ से आज के टाइम पे 30+20 52 साल के आस ऑलमोस्ट शॉप हो गई, 52 साल पुरानी शॉप है अपनी। okay. और मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ ये काम संभाल रहा हूँ, पहले मेरे दादाजी ने किया था, फिर पापा ने संभाला, अब पापा के बाद मैं संभाल रहा हूँ। चलिए, तो जो शिवजी भाटी है वो आपके दादाजी का नाम है, फोटो लगी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अंकल जी को भी पतंग उड़ाने का शौक था क्या? हाँ जी, पतंग बनाते थे, बनाते थे भी और लड़ाते थे। इसी टीम के कप्तान थे वो। ये इसमें इनकी फोटो है, ये देखो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे ये रहे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे राइट। तो जो सर थे, जो अंकल जी थे,
वो खुद पतंग बनाते भी थे, उड़ाने का भी शौक था और साथ में शॉप भी कर रखी थी। उसके बाद अंकल जी के बारे में थोड़े से, अंकल जी मैंने काफी फोटोज लगा रखे, तो अंकल जी भी उड़ाते हैं पतंग? अंकल जी भी पतंग के शौकीन है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दादाजी की रेलवे में नौकरी थी, ठीक है, उसके बाद जो टाइम रहता था उसमें ये अपना शौक करते थे और साथ में शौक करते थे। उसके बाद दादाजी के बाद पापा ने दादाजी के साथ ही पतंगबाजी चालू की। पापा को भी खूब शौक है। वैसे पापा खुद ग्राम विकास अधिकारी है, जॉब में है पापा। ओके, टाइम निकलने के बाद ही पतंगबाजी का शौक करते हैं, पर इतना जुनून है कि कितने भी थके हो मैदान जाना है पतंगबाजी करनी है। मैंने आज भी देखा, आज भी ग्राउंड में अवेलेबल थे। भैया आप बताइए कि आपको भी शौक है पतंग उड़ाने का? मुझे शौक है पतंग उड़ाने का, पर मैं छत से पतंगबाजी करता हूँ, मैदान में जा नहीं पाता। मैदान में पापा जाते हैं और मेरी जॉब प्राइवेट है तो मैं थोड़ा उधर ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ, यहाँ कम। ओके, मेरा काम, मैंने दुकान संभालता मैं, बरेली से सारी परचेजिंग करना, सेल करना, वो सारा काम मेरा है। चलिए तो अभी आप देखते हैं, टेक केयर आप करते हैं। हाँ, तो मैं आपको दोस्तों बोलना चाहूंगा, जिस शॉप का हम रिव्यू कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट काई शॉप बोलूंगा। yes. 52 साल पुरानी काई शॉप है, और इवन जो सर थे, जो शिवजी भाटी जी दादाजी थे सर के, वो भी पतंग उड़ाते भी थे, बनाते भी थे, फिर बाद में अंकल है, अंकल खुद पतंग उड़ाते हैं, शौकीन करते हैं, जॉब के साथ टाइम निकालते हैं, और अब भैया भी प्राइवेट जॉब के साथ पतंग उड़ाते भी है, लेकिन छतों से करते हैं, पर बाकी संभालते हैं पूरा का पूरा। तो ऑलमोस्ट बहुत पुरानी शॉप है हमारे यहाँ पे। तो सबसे स्टार्टिंग जब हुई थी, तो अंकल जी ने क्या मतलब प्लान किया था कि उनका मतलब पतंग उड़ाते इसलिए दुकान खोल ली? कैसे पतंग उड़ाते थे? उड़ाते थे, उनको पहले शौक हुआ पतंग उड़ाने का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे नॉलेज है, बीकानेर से सबसे पहले बरेली जाके मांझा लाने वाले मेरे दादाजी है। अरे वाह, जहां तक का मेरे को नॉलेज है, जब 65 रुपए दर्जन 12 रील मांझा आता था, तब से मांझा अपने बरेली से यहाँ आ रहा है। और फिर धीरे धीरे दादाजी ने बनाना सीखा, फिर इतनी नायाब पतंगे बनाते थे कि डिमांड ही पूरी नहीं कर पाते थे। अरे वाह, तो किस नाम से आता था उनका टाइम? शिवजी भाटी पतंग वाले नाम। आजकल बीकर में काफी अच्छे अच्छे मेकर है, तो उस टाइम से मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने भी काफी पतंगे बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा बीकानेर के काइट कल्चर को लेकर हम बात करते थे, बीकानेर की हम बात करते हैं, तो बीकानेर में किस तरह के लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं सीजन के हिसाब से? नॉट ग्राउंड, ग्राउंड तो हम समझ में आता है, सीजन में क्या रहता है, सीजन कब से कब होता है यहाँ का? सीजन यहाँ पे होगा अप्रैल और मई के, या तो एक साल अप्रैल में होगा या एक साल मई में होगा। यहाँ पे सीजन बढ़ता है अक्षय तृतीया को, वो दिन होता है बीकानेर का स्थापना दिवस, उस दिन सब लोग यहाँ पतंगबाजी करते हैं। और ज्यादा मतलब नॉर्मल रेंज की पतंगबाजी होती है, अद्दी मंजोली जो नॉर्मल रेंज की है वो छतों पे उड़ती है। okay. और अच्छा शौक होता है, पूरे दिन खूब पतंगबाजी होती है। चलिए, तो मैंने अभी थोड़ा सा स्थापना दिवस पे कुछ चंदा भी उड़ाते हैं, तो चंदा का क्या सीन होता है? चंदा का ये सीन होता है कि गोल बनता है, गोल चंदा बनता है। ओके, तो वो उड़ता है आराम से? हाँ, आराम से एकदम इजीली। तो दिन में के शाम को रात को? दिन में उड़ाते हैं। तो अक्षय तृतीया का सीन रहता है जो अप्रैल और मई का होता है, कभी अप्रैल में आता कभी मई में होता है, 15 दिन का गैप, एक एक साल में हर गैप हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पतंग का जो सीजन होता है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त का होता है, आपका जयपुर में मकर संक्रांति का होता है, तो जो बीकानेर का होता है वो होता है अक्षय तृतीया, जिसे बोला जाता है स्थापना दिवस ऑफ बीकानेर, फाउंडेशन डे जो बोला जाता है यहाँ। बहुत बढ़िया, तो वो 2 महीने गर्मी के टाइम, मतलब गर्मी की शुरुआत ही हो रही होती है उस टाइम पे यहाँ पे आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपने बताया कि जो रहता है कि छतों से पतंगबाजी स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाती होगी इस टाइम पे, थोड़ी थोड़ी हो जाती है। चलिए, तो आज उसी को कवर अप करते हैं। तो अभी जैसे आप सीजन आने ही वाला है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 ही महीना रह गया, इसके बाद जो 1 से 2 महीना रह गया, तो क्या प्रिपरेशन है आपकी, सबसे डिमांडिंग में क्या रह रही है? मेरे ख्याल से मंजोली की डिमांड हर पूरे रहती है, तो अपने पास स्टार्टिंग में मंजोली क्या प्राइस की आ जाती है? अपने पास स्टार्टिंग में मंजोली ये आएगी, ये देखिए दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ की मंजोली है ये, और ये किस रेंज में मंजोली आ जाती है? ये बरेली की मंजोली है, ये हम 6 रुपए में सेल करते हैं, यहाँ पे 6 रुपए स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये आपका रिटेल रेट है, रिटेल। आप होलसेल भी करते हैं क्या? रिटेल होलसेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं। तो बीकानेर के आसपास, तो बीकानेर में बनता है कि बीकानेर के आसपास भी वही रहता है 22 अप्रैल, मतलब जो रहता है बीकानेर के आसपास सारा, जितना 60 किलोमीटर का जो भी चारों तरफ एरिया है वो सब में आता है। चलिए दोस्तों, तो ये 6 रुपए से मंजोली स्टार्ट हो जाती है, इसमें कोई डिजाइन है कि नॉर्मल प्लेन डिजाइन एक ही है? इसमें बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। चलिए, तो मतलब वैरायटी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों 6 रुपए की मंजोली स्टार्ट होती है, उसके बाद मैक्सिमम मंजोली कितने तक की जाती है? नेक्स्ट में जैसे जैसे क्वालिटी लेंगे 7, 8, 10 रुपए तक मंजोली। कहाँ कहाँ की मंजोली मिल जाती है? अपने पास बरेली, मुरादाबाद की मिलती है, तो 2000 की मंजोली मिल जाएगी, 6 से लेकर 10 तक की मंजोली आपको मिल जाएगी, एज पर क्वालिटी रहेगा। चलिए, अब आगे चलते हैं, उसमें क्या दिखाना चाहेंगे आप? इसके बाद आएगी अद्दी, ये नॉर्मल अद्दी है, इसमें 3-4 तरह के कलर मिल जाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा यहाँ पे फोकस करके, और ये सब बरेली की अद्दी है? हाँ, बरेली की। चलिए, और अपने पास अद्दी में स्टार्टिंग रेंज क्या आ जाती है? अद्दी में स्टार्टिंग रेंज अपने पास 7 रुपए से, 7 से 7, मतलब 6 रुपए की मंजोली और 7 से अद्दी स्टार्ट हो जाती है। और मैक्सिमम कितनी जाती है? मैक्सिमम अपने पास मिलेगी 18 रुपए तक अद्दी मिल जाएगी। थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ी सी प्रीमियम अद्दी देख सकते हैं? प्रीमियम अद्दी तो अभी स्टॉक में आने वाली है, आने वाली।
तो रहेगी कहाँ कहाँ की अभी अपने पास? अपने पास मुरादाबाद और बरेली। चलिए सारा काम बाकी दोस्तों मैं अभी सवा महीने पहले आया हूँ, बीच में एक राउंड और लगेगा तो मे भी उस टाइम पे आपको अपडेट स्टॉक और दिखा सकते हैं। तो ये एक आपको था कि स्टार्ट हो चुका है सीजन का, भैया ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे आता रहेगा। भैया को हम बोल के देंगे कुछ नया आएगा तो हमें शॉर्ट भेज देंगे, हम शॉर्ट डालते रहेंगे। चलिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपने बात करी 6 रुपए से लेकर मंजोली है जो जाती है 10 रुपए तक की जाती है, उसके बाद अद्दी है 7 रुपए से जो मैक्सिमम जाती है 18 की, और भैया ने साफ बोला कि बरेली और मुरादाबाद की पतंगे ज्यादा रखते हैं वो ज्यादा। दोस्तों थोड़ा सा अद्दी में आपको और डिजाइन दिखाते हैं। ये देखिए प्लेन में अद्दी आ रखी है, ये देखिए प्लेन में अद्दी है, और ये दिखाते थोड़ा सा इस डिजाइन में अद्दी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे डिजाइन हो गए हैं और कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गए। तो अद्दी में डिजाइन ओवरऑल अगर मंजोली रद्दी की बात करें तो डिजाइनर मतलब मिल जाएंगे, डिजाइन काफी मिल जाते हैं, काफी डिजाइन मिल जाएंगे। पर सनी भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेन पतंग पसंद करते हैं। अरे वाह, प्लेन पतंग हो, ब्लैक ब्लू और गुटी भी हो, वो जितनी डिमांड में है, मैं कह रहा हूँ कलर कोई मांगता ही नहीं है यार। तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं पतंगे? तो दोस्तों यहाँ पे पता चला कि बीकानेर में जो रहता है इवन छतों से भी, छतों से भी इस टाइप की पसंद पतंग पसंद करते। ये तो हमारे बीकानेर की बड़ी फेमस पतंग है, देखिए 8 नंबर पतंग है, देखिए मोहन जी की। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये इनका पूरा रहता है और ये हमारे कोने में आ गए। कोने में मैं आपको वो बता रहा हूँ डिजाइन, तो ऐसी अद्दी में मंजोली। अरे वाह, ये सब स्टॉक अब आने वाला है, आप जब नेक्स्ट वीडियो बनाओगे ना तो मैं आपको सारे डिटेल उसमें। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा फिर से कि यहाँ पे अभी ये जो अद्दी और मंजोली हम कर रहे हैं वो छतों के लिए कवर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पौने की तरफ, इसमें थोड़ा सा आपको डिजाइन यहाँ पे देखिए थोड़ा स्टॉक रखा हुआ, यहाँ पे काफी स्टॉक रहेगा और अभी आने भी वाला है। ये सब अद्दी और मंजोली का स्टॉक है सारा, ये सारा अद्दी मंजोली का। ये देखिए दोस्तों ये पूरा अद्दी और मंजोली का स्टॉक है यहाँ पे भैया दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो अद्दी और मंजोली बाकी आगे भी बढ़ता रहेगा। भैया ने बताया कि जैसे लोग यहाँ पे पसंद आते हैं कि भैया नॉर्मल प्लेन पतंग हो लेकिन गुटाई वाली पतंग हो तो वो पसंद आती है। तो भैया ये तो हमारे पास मंजोली और अद्दी का हो गया। अब हम बात करते हैं पोनो के अंदर, तो सबसे स्टार्टिंग रेंज पोनो में क्या रहती है हमारे पास? सबसे स्टार्टिंग रेंज पोनो में मेरे पास ये रहेगी, ये आएगा अजंता पेपर पे, अजंता पेपर के ऊपर है ये। और ये क्या डिमांड रहती है इसकी? ये 14.5 रुपए का पोना है। तो 14.5 में भैया आज के टाइम का अजंता बहुत महंगा, उसमें अगर 14.5 की आपको पोना मिल रहा है ना तो इसके ऊपर क्या चाहिए? और ये क्वालिटी है ऐसी बात नहीं, 600 आराम से उड़ेगी, 300-400 मीटर कहीं भी उड़ा जाइए इसको आराम से। तो स्टार्टिंग होती है 14.5 से और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है पतंग अपने पास? इसमें ये ब्लैक ब्लू दो कलर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, देखिए दोस्तों 14.5 के अंदर ये पतंगे हैं और ये सब अजंता पे बनी हुई है दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया। तो भैया अभी आपको दिखाई 14.5 रुपए की पतंग, वो भी अजंता के ऊपर, जिसमें आपको दो कलर मिलेंगे ब्लैक एंड ब्लू। अब आगे चलते हैं, ये कुछ डिजाइनर पतंगे आई है देखिए, स्टार और गुटाई वाला काम मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये भी अजंता पेपर पर है, पूरी गोल फर्मे की पतंग मिलेगी आपको, ये पूरा गोल फर्मा, और गोल फर्मा सब जानते हैं किस लिए उड़ाया जाता है यहाँ पे, दूर के रेंज की पतंग है ये। तो इसमें ये इसका रेंज क्या स्टार्ट है अपने पास? इसका रेंज 16.5 रुपए से स्टार्ट है और अपने पास ये 30 रुपए तक है, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर, डिजाइन के ऊपर भी जाता होगा। चलिए दोस्तों तो ये देखिए यहाँ भी आपके पास है। तो पोने में कितने कारीगर अपने पास, मतलब अगर मंजोली अद्दी की बात करें, पोने की बात करें तो कितने कारीगर होते हैं ओवरऑल हमारे पास? मतलब अगर अद्दी मंजोली की बात करें तो कम से कम मेरे पास कारीगर होंगे 20, वो बरेली और मुरादाबाद के हो जाएंगे, बरेली मुरादाबाद ठीक है। और पौनी की बात करें तो 10 कारीगर होंगे, पौनी 10 कारीगर होंगे। कहाँ कहाँ के होंगे कारीगर? मुरादाबाद और बरेली, और मेरे जो पेंटेड कारीगर है जिनसे दादाजी काम करते थे आज उनसे ही मैं काम कर रहा हूँ। और अभी जयपुर के जो सोनू भाई है उनको आप जानते ही हैं, उनसे भी काम चालू कर दिया, 2-3 साल से उनसे काम हो रहा है, उनकी भी पतंग आती है हमारे पास। और हमारे बीकानेर में किसी कारीगर की? बीकानेर में मोहन जी की मिल जाएगी जैसे मैंने ज्यादातर, बाकी बीकानेर से बनती कम है, डिमांड ज्यादा है तो बीकानेर की थोड़ी कम आ पाती है, आती है। तो मतलब मैक्सिमम आप कहते हैं कि जो मेजर कारीगर जो मंजोली अद्दी में उनसे ही पोने आते हैं, वही बरेली के रहते हैं और आपके रहते हैं हमारे मुरादाबाद के, कुछ जयपुर का रहता है जो सोनू भैया का हो गया, प्लस साथ में जो आपका बीकानेर का थोड़ा बहुत हो जाता है जैसे मैं डिमांड के ऊपर पूरा, मतलब ये नहीं कि आप 100 मांगो 100 मिल जाए, लेकिन मिल जाएंगी, मिल जाती है। चलिए बाकी रेंज फिर से बोलूंगा कि 14.5 रुपए की रेंज है, आगे भी ये रेंज कंटिन्यू रहेगी जब पेपर ऐसे महंगा तो कुछ बढ़ने के चांसेस आगे प्राइस? देखो पेपर पर है, पेपर बढ़ेगा तो रेट थोड़ी वैसे इंक्रीज होगी, तो पहले स्टॉक की अभी जितना स्टॉक है ये उसकी रेट है, स्टॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद अलग रेट होगी, जो जैसे आएगा उस हिसाब से रेट। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आज पतंग जो स्टार्ट की गई है वो 6 रुपए से मंजोली स्टार्ट की गई थी, 7 रुपए से अद्दी की गई थी और 14.5 रुपए पे अजंता की पतंग जो है वहाँ पर दो कलर थे वो दिखाए गए थे, उसके बाद आपको दिखाया गोल फर्मा, वो आपने बताया 16 से लेकर 30 रुपए तक रेंज में जाता है वो। राइट, चलिए इसके अलावा और कुछ दिखा जाए कौन कौन से कारीगर हो रहे हैं? आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अंकल कुछ निकाल रहे हैं अपने हाथों की जैसे पतंगे, या पुरानी पतंगे रखी हुई है वहाँ पे, ये देखिए आप
एक ये आया अश्वनी भैया की, मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे अश्वनी उपाध्याय हैं। हाँ जी। और ये बरेली की पतंग है, देखिए तो इनका पोना भी आता है, अद्दी भी आती है, पोना ही आता है ये मैदान के लिए। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा बीकानेर में क्या है, अद्दी की डिमांड कम है, पोनी की ज्यादा है। अद्दी बीकानेर में हाईएस्ट 10-12 रुपए तक सेल होगी, पोनी आप अच्छी से अच्छी पोनी कितने रुपए में भी सेल कर सकते हो, क्वालिटी होनी चाहिए मैदान के हिसाब से वो चल जाती है। तो सब मैदान के हिसाब से क्वालिटी है, बाकी मंजोली अद्दी आपकी छतों पे रहती है। तो यहाँ पे भी कई अद्दी का शौक होता है, जैसे हमारे दिल्ली में होता है अद्दी का, यहाँ पोने का बहुत कम होता, आप ये मानोगे 0% है, 0%। तो यहाँ मेन पोने का ही शौक ज्यादा है, पोने का शौक, तो इसलिए पोने की डिमांड ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जानने को मिला कि जैसे हमारे दिल्ली में अद्दी का शौक भी हो जाता है, तो बीकानेर में जो शौक रहता है वो पोने का ही रहता है, बाकी जो छतों पे जो नॉर्मल होता है उसमें वो मंजोली अद्दी उड़ती रहती है। तो छतों का शौक बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, अगर हम बात करें जो प्लेयर्स होते हैं वो छतों का शौक नहीं करते, छतों का शौक होता है वो भी पोनी का ही होता है, पोनी का ही होता है, अद्दी का नहीं होगा। बाकी आज का ग्राउंड देखकर लगता नहीं कि छतों का शौक कहीं जो है, यहाँ पे इतना तो बड़े ग्राउंड है, यहाँ बहुत बड़े ग्राउंड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं आप अश्विनी भैया की पतंगे हैं, ये मैंने फोटो बीच में देखी थी फेसबुक के ऊपर। हाँ। और बहुत देखिए ये डिजाइन देखिए, यहाँ पे डिजाइन है, सील काट पतंग है, इसमें ये डिजाइन है। चलिए तो दोस्तों इसका प्राइस है, वो भैया का नंबर मिलेगा, भैया का व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, जो हमने आपको एक रेंज दे देगी, इस रेंज से स्टार्ट हो जाती है कि 14.5 रुपए से आपकी स्टार्ट होगी, बाकी जो मैक्सिमम जाएगी 70-80 की, तो उसके बीच में कुछ आपको जैसे आपको पतंग, आपको अश्विनी भाई की पतंग पसंद आती है तो आपसे व्हाट्सएप कर लेते हैं, आप उनसे बात करके वो उनसे लीजिए। अच्छा भैया दूसरा क्वेश्चन था कि आप खाली बीकानेर में देते हैं कि बीकानेर के बाहर भी देते हैं? बाहर भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवरी रहती है, मतलब आपका कोरियर रहता है। दूसरी बात बोलूंगा, ये भैया पूरे 12 महीने की शॉप है, ऐसा नहीं कि खाली आपका सीजन की शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है, ऐसे बताया कि ऑलमोस्ट 52 साल हो गए, प्लस ऑल इंडिया डिलीवरी रहती है। एक और क्वेश्चन था कि अपनी जो शॉप है यहाँ पे बीकानेर में वो कहाँ पर है, मेन लोकेशन? शॉप है केएम रोड बी सेठिया गली बीकानेर। तो केएम रोड बी सेठिया गली बीकानेर। तो ये मेन मार्केट लगती है कहीं ना कहीं पे, पूरा मेन मार्केट है यहाँ पे। बाकी भैया का नंबर मिलेगा व्हाट्सएप के अंदर, तो उसका पता कर सकते हैं, और कोरियर मिलेगा, अगर आपको पसंद आती है कि अश्विनी की पतंगें अच्छी लगी, आपको लगता है चाहिए, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं, तो आपको कोरियर के थ्रू मिल जाएगा, वो जो उसका चार्जेस होगा, जैसे अगर बस से जाएगा, बस से नहीं तो जैसे भी होगा वो हो जाएगा उसके अंदर ही। ये देखो अश्विनी भैया ने दिया था एक छोटा सा तोहफा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अश्विनी भैया ने बनाई है, बहुत ही प्यारी पतंग है ये देखिए, ये हमारे श्री राम और माता सीता की पतंग देखिए यहाँ पे, और काम देखिए इसके ऊपर, नो डाउट बहुत ही प्यारा डिजाइन, पूरा कागज की कटिंग से शेडो बनाया, इतना शानदार, और सबसे अच्छी बात है कलर कॉम्बिनेशन ये तो है। ये देखिए ये हमारे अश्विन भाई के स्टैंप रहता है, ये गिफ्ट आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, नो डाउट बहुत अल्टीमेट। तो अश्विन भैया बहुत ही नाइस चीज आपने बना के भेजी है, मजा आ गया देख के। तो भैया इसमें कुछ और दिखाने जाएंगे पोने, जैसे कुछ और पोने दिखाने जाएंगे? हाँ अभी दिखा। दोस्तों थोड़ा सा आप दिखाते हैं कुछ, आपको कलेक्शन की पतंगे भी दिखाते हैं, तो कहते हैं ना कि जब आए हैं तो और देखने को मिल जाए तो कौन रहता है, जिसमें से आपको सबसे स्टार्टिंग दिखाएंगे हमारे श्यामलाल मेड़ जी की पतंग। मैं आपको देखिए स्टैम्प दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टैम्प पे यहाँ पे श्यामलाल जी की यहाँ पे, और पतंग देखिए बहुत पुरानी और पूरी टेपिंग करके रखी गई पतंग है, ये संभाल के रखी हुई पतंग है, ये नगीने अगर देखा जाए तो आज के टाइम ये बहुत नगीने हैं, ये कलेक्शन में होना ही अपने आप में। देखिए ये तो रियाज भाई की पतंग हो गई यहाँ पे, ये सब अंकल बहुत पुराने उड़ाने वाले हैं, तो काफी पुराना कलेक्शन देखने को मिल रहा है, इसी बहाने कुछ कारीगरों की पतंगें मिल जाएंगी, और कितना संभाल के रखा हुआ है वो चीज देखने वाली है। तो ये अंकल का मतलब पैशन है, पैशन को काइट मतलब लगता है प्यार है पतंगों को लेके। ये देखिए कन्हई काइट मेकर, ये तो अपने कोलकाता के बहुत पुराना स्टाइल है इनका। देखिए ये स्टैम्प अब नहीं आते, मेरे अब चेंज कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। और पतंगे कमांड ठंडे अभी भी ऐसे हैं कि तरोताजा रखे, बिल्कुल नो डाउट, बहुत ही प्यारी पतंगे। ये देखिए अजगर गाइड हमारे मेरठ के हैं, और अभी तो बिल्कुल चेहरा ही चेंज हो गया इनका ये सब पुरानी यादें हैं, पापा ने कलेक्शन के हिसाब से रख रखी है। राइट पतंगे देखिए पूरा हो, ये सब अच्छा बीकानेर में जो पतंग उड़ती है, मैंने अब देखा कि थोड़ा खिंचाई हो गया, तो भाई पहले देखा लंबी रेंज की पतंग ज्यादा पसंद करते थे, दूर की रेंज की, क्योंकि ग्राउंड इतने बड़े बड़े तो आप कहीं तक जा सकते हैं। बहुत पतंगबाजी बीकानेर की जो है वो सबसे लंबी पतंगबाजी बीकानेर की होती है, राइट, करीबन 1500-2000 गज पे आराम से पेज लड़ाते हैं बीकानेर वाले। मैं देखा ग्राउंड कहाँ तक जा सकते हैं वो आपके उस पे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं जाके फिर से पतंगे आ गई है वाली, और ये हमारे हैं कुछ पुराने हैं रहीस काइट मेकर मुरादाबाद, तो पुराना कलेक्शन दिखा है यहाँ पे, ये सब रखा हुआ है। और जो फिर से बोलूंगा कि जो पोने रहेंगे यहाँ पे, जो पोना स्टार्ट हो रहा है अभी,
14.5 बोल तो 14.5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो मैक्सिमम जाता है 70-80 रुपए का। और उसके बीच में जैसे आपको अश्विनी भाई की बताएंगे चाहिए, मुरादाबाद के काफी कारीगर बताए कि 10 के आसपास कारीगर मुरादाबाद के पौने में है और 20 के आसपास कारीगर आपका मंजोली अद्दी के अंदर है ये। और ये देखिए मोहम्मद उमेर, ये देखिए उमर, ये कहाँ की पतंग है? ये हकीमगंज, आई थिंक लखनऊ की पतंग लग रही है, लखनऊ की पतंग है ये। देखिए अरे इसमें भी डिजाइन देखिए कितने अच्छे डिजाइन आए, बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्लेन आया एक, ये देखिए अभी इसमें चांद किया आया था, दिल बना हुआ आया था। तो ये आपका क्लब का नाम जय बिकाना आपका है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये गुरु काइट क्लब, गुरु काइट आपको भी अभी अभी है शायद से, परसों है, परसों 13 तारीख को। ओके चलिए दोस्तों ये यहाँ पे है और अंकल का भी अभी शौक होना है, अभी मून काइट क्लब जो लखनऊ के आने वाले जो हमारे कॉल साहब की है उनसे गेम है अभी, तो बहुत ही टूर्नामेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे बीकानेर को इवन अंकल मिले यहाँ पे, थैंक यू बोलूंगा कि इतना बड़े टूर्नामेंट करवाने के लिए, अभी तक का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है ये। और जो रूल्स है यहाँ पे और जितनी जितने साफ कहते ना कि जितना अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही प्यारा। अब दिखाते हैं आपको हमारे बीकानेर की जो मतलब 8 नंबर पतंग, ये देखिए 8 नंबर पतंग है दोस्तों ये, और ये इनके स्टैंप रहती है, ये हमारे मोहन जी के बेटे बनाते हैं, प्रेम जी बनाते हैं, इसमें ये कलर भी आ गए हैं। तो ये मिल जाती है से, मतलब आपका अवेलेबल हो जाती है, करवाते हैं अगर इसको चाहिए हो तो? बहुत मुश्किल है, समय देना पड़ता है टाइमिंग के ऊपर, मतलब हो जाता है, अवेलेबल हो जाती है। चलिए तो ये फायदा है कि बीकानेर में रहते हैं तो आप इनके पास आइए, आपको अवेलेबल करवा के देंगे। और मोहन जी की पतंगे आपने देख ली यहाँ पे, 8-9 पतंग बहुत कम, मतलब हर एक किसी भी अच्छे उस्ताद का बैग देखिए उसमें पक्का मिलेगी आपको मोहन की पतंग, क्योंकि जो दुनिया जानती है। और 8 नंबर तो बहुत, इनके नंबर बहुत सारे आते हैं, 15 नंबर भी आता है, काफी नंबर आते हैं, लेकिन जो 8 नंबर की एक अलग ही डिमांड है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अलग चल रहा है, यहाँ पे कुछ और लेके आ रहे भैया दिखाने के लिए, तब तक हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप शॉप मतलब शौकीन है और जो छतों पे सीजन के टाइम पे उड़ाते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यार डिजाइन, ये कहाँ से बनी हुई पतंग है? ये बरेली की बनी हुई है, बरेली की बनी पतंग है, बहुत पुरानी है, बहुत डिजाइन। नहीं वो कमांड ठंडे बता रहे हैं कि पतंगे सब मतलब बना के लंबे के रखे ये थोड़ी सी। चलिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, तो अंकल को कलेक्शन का शौक भी है और साथ में अपना वो भी है, तो नो डाउट। बट वन मस्त है कि अभी देखो सीजन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये था हमारा पतंगों का कलेक्शन, अब हम चलेंगे मांझे की ओर। तो मांझे में सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, अपने स्टार्टिंग में क्या रेंज हो जाती है स्टार्ट मांझे में? 12 रील में अगर 1-2-3 पे चाहिए आपको तो मैं, अगर हम पहले छतों की वजह सीजन आने वाला है, छतों के हिसाब से क्या क्या रहता है? छतों के लिए अंदर आना पड़ेगा, बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें कितने स्टार्ट हो जाता है, कुछ आइडिया देंगे एक बार फिर भी? छतों पे मेरे पास आपको 12 रील में मिल जाएगा 1500 रुपए से, 1500 से। अगर हम जैसे बच्चों के लिए होता है 3 रील होती है 6 रील, वो भी मिल जाता है, उसमें क्या रेट हो जाता है? क्या उसमें 3 रील में मेरे पास आपको मिल जाएगा 250 रुपए से 3 रील चालू है अपने पास। और उसमें धागा कौन सा होगा? उसमें धागा होगा रॉकेट चार्टर हो गया, रॉकेट चार्टर। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पे चल के। तो दोस्तों ये देखिए सब बैग रखे हैं यहाँ पे पतंगों के, यहाँ पतंगे रखी हुई है, आई थिंक वो 14-14 वाली पतंगे शायद वाली, ये सब यहाँ पे पूरा स्टॉक रखा हुआ है। तो अगर आप लेट नहीं हो रहा और वीडियो टाइम पे देखते तो शायद से ही आपको पतंगे मिल जाएगी। अजंता पे 14:30 में पतंग मिलना इस टाइम पे बड़ा भारी रहता है। ये देखिए सब डिजाइनर पतंगे यहाँ पे आ चुकी हैं। और अभी हम मांझे की तरफ चलते, थोड़ा सा सोचा क्यों ना पतंगे दिखाई जाए आपको। ये देखिए हमारे यहाँ पे पतंगे ही पतंगे और डिजाइनर है, और ये बताया जाता है कि 14 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास 14:30 से स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ी महंगी पतंगे, थोड़ी महंगी हो जाती है, राइट। तो चलते हैं मांझे की तरफ चलते हैं। ये अभी मांझे यहाँ पे बताया भैया ने कि रॉकेट 4 तार स्टार्ट होता है, वो कुछ 250-300 रुपए का रेट आपने मुझे बताया यहाँ पे। तो अपने थोड़े से एक दो कारीगर हैं, कौन कौन से कारीगर का मांझा? ये बच्चों के लिए स्पेशल दिख रहे हैं, जाकिर का हो गया, ये हमारे जाकिर भाई का मांझा हो गया। जाकिर जी जो वीर चक्रा वाले हैं जिनका, और बीकानेर में मैंने देखा काफी लोग जाकिर बहुत पसंद करते हैं, वीर चक्रा मैंने ऑलमोस्ट सबके बैग में देखा है यहाँ पे। क्योंकि जो पीछे जो 2 टूर्नामेंट हुए थे वो जैसे एक तो असलम भाई ने जीता था, right. उन्होंने वीर चक्कर से जीता था, एक हमने जीता था उसमें हमने सेमीफाइनल का मैच वीर चक्कर से जीता था। क्या बात, उन्होंने स्पेशल डोर बनाने के भेजी, और मैं कह रहा हूँ लाजवाब डोर है उनकी, मतलब आपको ये है कि आंख बंद करके दे दो कस्टमर को, आपको कोई तरह की डाउट नहीं, कंप्लेंट नहीं आती है। तो इसमें आपके चरखे और भी रख रहे हैं, जैसे बड़े चरखे रखे हैं, ये 6 रील के आएंगे इसी में। ये रॉकेट 4 तार है कि 6 रील है? ये 6 रील का रॉकेट 4 तार, रॉकेट 6। अच्छा रॉकेट 6 रील में क्या प्राइस पड़ जाता है अपना? ये 6 रील में आपको ये वाला जो है वो पड़ेगा करीबन 600 रुपए का, और ये रॉकेट 6 तार ही है, 4 तार में 6 रील मिलेगी, 600 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए के रील के हिसाब से पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखिए सब स्टॉक लगा हुआ है, ये सब छतों के लिए लगा हुआ है, सीजन के हिसाब से, छतों के लिए सब सीजन के हिसाब से। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये देखिए फजल बैग, ये हमारे ये जो फरमूद फरमूद बैग के, राइट राइट, इनके बेटे का नाम है ये। ये रॉकेट 6 तार पर है, रॉकेट 6 तार के अंदर, अरे वाह।
तो ये भी मतलब अवेलेबल रहता है, पर रॉकेट 6 तार के अंदर काफी अच्छे वो मेरे पास ज्यादा छतों के लिए 6 तार पे मिलेगा रॉकेट 6 तार, तो 4 तार के लिए भी लाते हैं ये, बहुत जो कुछ बच्चे मांगते हैं उनके लिए, क्योंकि चाइनीज अगर मैं कहूँ 250 में मिलता तो इससे बढ़िया क्या हो सकता, क्या हो सकता है। और मैं कहता हूँ चाइनीज माने भी 200 रुपए का आता तो 250 रुपए देखे, ये लिए किसी जान तो नहीं जाएगी, जान तो नहीं जाएगी, और पतंग भी उड़ाई और पतंग कटती भी है, इससे ऐसी बात नहीं। दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा ये पूरा छतों का स्टॉक है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग रेंज बताया भैया ने 250 रुपए से बताई हमें, उसके बाद आपका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये हमारे सलीम खान जी का मान जाए, ये सलीम बनारसी जी का मान जाए, राइट राइट, ये बहुत अच्छे बरेली में इनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है और खूब माल आता है इनसे, राइट। इनका आपका रॉकेट, ये रॉकेट 4 तार में है, ये 6 तार रॉकेट 6 तार के अंदर है ये, और इनका, इनका दोनों तरह का मान जाता है, 4 तार भी आता है मेरे पास, 6 तार भी, 6 तार भी आता है। तो ये रॉकेट पे आता है कि वर्धमान पे रहता है ये वाला? ये रॉकेट पे है, ये रॉकेट पे आता है, और ये सारा मेरे पास पिछले साल का स्टॉक है। ओके, तो ये सब अब मतलब बस चुका है माना देखा जाए तो अच्छे से। मैं यहाँ पे दिखा जाऊँ काफी यहाँ पे कारीगर, देखिए सुल्तान यहाँ पे है, बहुत सारे एप्पल गोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, काफी यहाँ पे है। तो ये पूरा स्टॉक है जो अभी मतलब देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटनिंग का इशू है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आए, ये हमारे अतीक रजा खान राइट का, ये बट ये छतों के लिए है ये, हाँ छतों के, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ARK की डोर है यहाँ पे, और ARK के अंदर भी देखिए आपको यहाँ पे छतों की डोर मिलती है। पूछते हैं कि ये हैमर की डोर है कि रॉकेट की डोर है, ये एक बार कन्फर्म कर लेते हैं इनसे। और ये है एक ARK का 2 कैट है यहाँ पे देखिए। तो भैया जो ये अतीक जी का है, ये कौन सी डोर है, रॉकेट की डोर है कि क्या है ये वाली? ये रॉकेट की डोर नहीं है, ये है, ये मैं उन खोल के चेक कर लेते हैं इसको। और स्टार्टिंग है आपको बता दी है कि आपको 250 रुपए से रॉकेट 4 तार मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं आगे जितनी रेंज में जाएंगे। और कलर ये कितने प्यारे गर्मी के हिसाब से, और यहाँ पे गर्मी के टाइम में तो ये कलर लड़ते आराम से यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा कलर निकाला भैया ने, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा स्टॉक दिखाता हूँ अभी। ये स्टॉक तो एक झलक ही है, आपको दिखाते हैं और भी जगह रखा हुआ स्टॉक यहाँ पे। देखिए पूरा ARK का कितना स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे। 3 मिल की चरखी मिल जाएगी यहाँ पे आपको, 6 की चरखी मिल जाएगी, और बड़ी चरखी मिल जाएगी मेरे से 12 की चरखी मिलेगी। कलर्स में आप यहाँ पे समर्स में है तो लाइट अच्छा, यहाँ पे कलर्स को लेके भी कुछ रहता है कि हमें ये कलर्स उड़ाने जब ब्लैक की डिमांड, ब्लैक ज्यादा की डिमांड रहती है, इवन गर्मी में भी ब्लैक ज्यादा डिमांड रहती है। अरे वाह, यहाँ पे सब ब्लैक पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और पूरा स्टॉक देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, ये भी अतीक जी का है, ये अतीक जी का AK-47 है, ये 2 कैट है, ये 315 हो गया। देखिए मैं पूछ रहा हूँ 3 रील के ऊपर 315 हो गया, ये आपका 47 हो गया अतीक जी का, और ये हो गया आपका ARK का जो आपका डबल कैट जो आता है वो हो गया। तो काफी ARK जी का काफी ब्लॉक काफी स्टॉक है यहाँ पे। तो कैसी डिमांड है यहाँ पे ARK जी के जो आते हैं? खूब डिमांड है, खूब। चलिए और ऊपर देखिए बीकाने के चरखे रखे हुए हैं वो कुछ वहां पे ऊपर, और ये MMS की डोर आ चुकी है, MMS मंसूद राइट, ये देखिए पंजाब साइड तो बहुत डिमांड है इनकी, इनकी यहाँ भी बहुत डिमांड। अच्छा जी, तो ये 3 में और 6 में दोनों में अवेलेबल होते हैं। चलिए, तो आपके पास स्टार्टिंग है 250 की जो हो जाती है, और बच्चों की हम बात करें अभी हम प्रीमियम जाएंगे जैसे 84-88, बाकी नॉर्मल में हम बात करें जो इस रेंज में आते हैं तो क्या रेंज जाती है, मतलब 250 से लेके 3 रील का मेरे पास 250 से लेके 600 रुपए तक है 3 रील, अलग अलग क्वालिटी राइट। और 6 रील का मेरे पास 600 से लेके आपको दे दूंगा मैं 2000 रुपए, 2200 रुपए तक 6 रील है, 6 रील मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से कारीगर का, कौन सा कारीगर है, कौन सी क्वालिटी है। मैं अभी आपको सुपर क्वालिटी है वो भी दिखाता हूँ, ये अभी छतों के हिसाब से दिखा रहा हूँ जो सीजन में आपके डिमांड में रहती है टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप ऊपर रखा हुआ है, ऊपर सब चरखे रखे हुए बड़े बड़े, ये भी छतों के लिए है? हाँ, ये सारा पांडा रखा हुआ है, पांडा वो भी बीकानेर के चरखों के ऊपर। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों ये है साहिल रजा का है पहली लॉइन, और ये मैं खुद उड़ाता हूँ 1-2-3 के ऊपर, सही बताऊँ तो बहुत अच्छी डोर है साहिल भाई, बहुत अच्छे इनका पहले साबिर नाजिम नाम से डोर है। राइट 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 राइट, तो ये कौन सा, इसमें कौन सा धागा इसके अंदर जो, इसमें पांडा C28 क्या बात, 6 तार वाला। अरे वाह, बहुत बढ़िया शाप। अच्छा, यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा देखा कि लोचपन रखते हैं डोर के अंदर, गर्मी में टूटे ना चटके ना। मैंने ये देखो डोर में ना ये समझ में हाथ में वो इतनी कड़क नहीं है, लेकिन में शार्पनेस आ रही है और साथ में मुलायमत भी आ रही है। क्या यहाँ पे आपको चढ़ी हुई डोर नहीं मिलेगी, मिलेगी वही देखा इसके अंदर यहाँ पे। तो ये C28 क्या प्राइस स्टार्ट हो जाता है? ये पांडा करीबन स्टार्ट होगा यहाँ से 1200-1300 रुपए से, 6 रील के अंदर। चलिए, तो दोस्तों ये C28 थी, वो भी साहिल रजा का, और इनका हम 1-2-3 उड़ाते आए तो बहुत ही बढ़िया डोर बनाते हैं, और बाकी और मैं तो ये कहता हूँ कि बरेली में अच्छी कम रेट में अच्छी डोर बनाने में इनका नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था, अब आपको ले जाओ थोड़ा सा प्रीमियम रेंज की तरफ, वो भी छतों के लिए, जिसमें आपको दिखाएंगे 84 और त्रिशूल की, और ये C28 में कुछ और कारीगर भी हमारे पास C28 में और भी, चलिए वो भी देखते हैं एक बार। और ऊपर भी जो बड़े कारीगर रखे हैं वो भी सब इन्हीं के चरखे हैं या किसी और? नहीं, दूसरों के। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको हम अभी।
दोस्तों बीकानेर आए थे तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करें आपके लिए। तो कुछ चरखे और निकलवाए हैं, तो कौन कौन से कारीगर के चरखे और कौन कौन सी डोर है इसके अंदर? ये भैया मैं आपको बताना चाहूंगा सनी भैया, ये जो चरखे हैं ये हमारे बीकानेर की है। राइट, ये चरखी बीकानेर बनती है और मेरी शॉप पे मैं सबसे ज्यादा छतों के लिए पांडा सेल करना पसंद करता हूँ। ओके, क्योंकि लोगों को उसमें शिकायत कम मिलती है और हवा अगर तेज होती है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पे हवा तेज, मैंने देखा कि हवा का रहता है कि, तो ये आपका पांडा में कौन सा नोतार है कि छह तार मतलब ज्यादातर छह तार पांडा ही चलता है, जो आपका मोटा हो जाता है लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो हम बात करें वो C28 या हैमर की डोर ज्यादा, 8400 ज्यादा हो जाती है ये आप देखें। अरे कलर देखिए, अच्छा यहाँ पे ये कलर बड़े इन रहेंगे क्योंकि तो यहाँ पे गर्मी के टाइम पे आता है तो वहाँ पे ये कलर चल जाते हैं और इन पे अच्छी धार बन जाती है। देखिए ये आपका पांडा C28 है यहाँ पे देखिए, और ये देखिए कलर देखिए कितने प्यारे कलर है ये, नो डाउट। तो कलर के मामले में मैं, अच्छा बीकानेर में ये फायदा है कि गर्मी के टाइम आता है कलर जैसा मर्जी लगाइए, आराम से उड़ेगा। क्योंकि सबसे हमें फायदा ये रहता है जब बीकानेर का सीजन होता है, ऑलरेडी हम कई सीजन नहीं होता तो कारीगर फ्री रहते हैं तो आराम से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अभी मेरे फादर साहब 10 दिन तक बरेली थे और जो भी मांजा बनता है हम 10 दिन बरेली में रहकर ही बनाते हैं। अच्छा मुझे भैया कुछ बता रहे थे कि यहाँ से अपने कुछ मटेरियल लेके जाते हैं? हम यहाँ से हमारे मटेरियल साथ में लेके जाते हैं और जो भी लुगदी बनती है उसमें हम हमारे हाथ से हमारे मटेरियल डाल के मांजा बनवाते। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है जो कारीगर जो डाल रहा है वो डाल रहा है, प्लस जो ओपन कर रहे हैं तो मांजा और अच्छा निकल के आता है। कस्टमर को भाई वो जो जितने पैसे अपन मांग रहे हैं वो अपने को दे रहा है तो अपन चीज उससे सुपीरियर क्यों ना दे, तो चार जनों को और अपने पास लेके। तो इवन छतों के लिए भी आप अपना मटेरियल देते हैं कि मैदानों के लिए खाली? दोनों छतों के लिए भी, मतलब जो सीजन की छत है उसमें भी अपना मटेरियल डालते हैं? जो भी पांडा बनता है छतों के लिए, जो स्पेशल मांजा बनता है छह रील का, उन सब में डलवाते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब बीकानेर सीजन आता है तो बीकानेर के जितने भी जो शॉपकीपर है, जो व्यापारी हैं, वो 4 से 5 दिन कोई कोई 10 दिन वहीं पे रहते हैं और सारा काम अपनी आंखों के सामने करवाते हैं क्योंकि सीजन इस टाइम पे ऐसा होता है। अच्छी ये बात सही बोली आपने कि वहाँ पे इस टाइम पे कहीं कैसे नहीं होता, तो कारीगर बिल्कुल फ्री हैंड से अच्छे दिल से, उसे पता है कि मुझे एक ही जगह माल देना तो अच्छे से काम करता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि उसको होता है कि भैया एक दुकान यहाँ भी, दो दुकान वहाँ भी। कलर देखो ये पांडा C28 है, साकिर अंसारी जी का। साकिर अंसारी कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे, और नो डाउट ये गर्मियों के लिए कलर ना, मतलब गर्मियों में सीजन का ये फायदा है कि आपको अच्छे कलर मिल जाते हैं और आपको ना चीज अच्छी मिल जाती है, ना सर्दियों में क्या होता है कि फिर डार्क कलर ज्यादा भागना पड़ता है हमें। और हाईएस्ट में अगर मोटे मांजे में देखा जाए तो मेरे पास ये मिलेगा 12 तार इसमें तैयार के अतीक रजा खान का, अतीक रजा खान जिनका मैं दिखाया काफी उनका स्टॉक है। और ये मेरे डोर भी दूसरी है शायद से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये डोर भी शायद से लगा रखी है। देखिए हाँ ये पाराकोट, अरे वर्धमान का है ये, और बहुत ये डोर अभी से छल्ले छोड़ रही है, देखिए तो ये देख रहे तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डोर दिखाना चाहूंगा मैं आपको, तो भैया ये आपका 12 तार तक चला जाता है यहाँ पे, ये तो हो गया देखिए। और सबके सब देखिए चरखे सारे बीकानेर के चरखे हैं, मजबूत चरखे कहीं जाएंगे नहीं, और डोरे ऐसे कि अपने डोले मटेरियल, तो अगर आपका थोड़ा बहुत बच भी जाता है उसको रख के अगले साल उड़ा सकते हैं, खराब नहीं होगा। इसलिए ये चरखे ले जाने का कारण ये है कि आपकी 2-3 रील बच गई, आप उसको रखो, रख दीजिए और अगले साल उड़ो, ज्यादा बढ़िया। भैया एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे सीजन तो 2 महीने का होता ही है, उसके बाद भी यहाँ पे पतंगे उड़ती हैं कि नहीं उड़ती? नहीं नहीं भैया, मतलब पहले बहुत टाइम पहले उड़ती थी, आजकल बहुत कम हो गई है, बच्चे शौक थोड़ा सा। लेकिन जो अभी आज टूर्नामेंट का है शायद से मेरी बच्चों को देख के शौक चढ़े वापस, पता चले कि यहाँ पे उड़ती है, तो भैया ये तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। और बीकानेर ने जो अपना पहला और इंडिया का है ना उसी में मतलब ना एक बार आंखें खोल दी यार ऐसा भी टूर्नामेंट हो सकता है। राइट, बहुत देखा होगा BSF का कितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत नो डाउट। तो दोस्तों ये तो अभी मांजे में बाकी है, मांजे में हम चलते थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में, क्योंकि भैया के पास ऐसे कारीगर के मांजे जो चेन में कहीं बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, आप आइए। यहाँ हम दूसरी शॉप पे आ चुके हैं, देखिए पूरे डब्बे पैक्ड है, मेरे खास माल अभी शायद से वापस आया है। और आपको चलते हैं यहाँ पे कुछ दिखाएंगे प्रीमियम रेंज के छतों के लिए मांजे जो आपके मिलते हैं 84 या त्रिशूल के ऊपर। तो थोड़ा सा भैया को यहाँ पे थोड़ा लाइट का, तो हम थोड़ा सा उधर जाएंगे, भैया को यहाँ बुलाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ आपको कि ये सब यहाँ पे चरखियाँ रखी पड़ी, काफी स्टॉक है। अच्छा भैया मांजों में कितने कारीगर रहते हैं आपके पास हमेशा ऑल टाइम? ऑल टाइम मेरे पास करीबन आपको हमेशा देखोगे तो 20-25 कारीगर तो नॉर्मली 12 महीने मिले। तो आप कह रहे हैं कि 20-25 कारीगर हमेशा रहते हैं? 12 महीने रहेंगे। चलिए, और उसमें से हम बात करें छतों के लिए कितने रहते हैं और मैदान के लिए कितने रहते हैं? उसमें छतों के लिए कम रहते हैं, मैदान के लिए ज्यादा रहते हैं। तो छतों का सीजन 2 महीने का, यहाँ पे महीने का ओके। मेन ज्यादा मैदान के कारीगर होते हैं तो उनकी चरखियां भी एक जने की 4-4, 5-5 ही बन पाती है, वहाँ रह के बनाते हैं। तो ये तो यानी फोन करके मंगा लिया, ये बहुत अच्छी बात लगती है बीकानेर की। जो इवन सीजन का टाइम भी होता है तो बीकानेर वाले खुद जाके बनवाते हैं, उससे क्या होता है कारीगर ना कोई भी चोरी नहीं कर पाता, जब कोई उसमें माल वाल कमी डालता सब सारा माल अपने सामने लगता है। बहुत वीडियो है मैं आपको भेजूंगा, आप देखना वहाँ कैसे
काम हो रहा है, पापा तो वीडियो एक दो वीडियो भेजेगा, हम थोड़ा सा उसको उसमें ऐड ऑन कर देंगे ताकि लोगों को दिखा दे कैसे मटेरियल डालते और कैसे वहाँ पे बैठ के गर्मी बैठ के आपके लिए मांझे बनवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इस चीज को आपको सैल्यूट मानना पड़ेगा कि बीकानेर वालों को खुश किस्मत है कि वहाँ पे आपको ऐसे शॉपकीपर मिले हैं जो आपके लिए खुद जाते हैं और खुद मांझा लगवा के लेके आते हैं। अब इसमें चलता है कुछ प्रीमियम रेंज में, भैया बता रहे थे कि उनके पास ऐसे ऐसे कारीगर के मांझे हैं शरीर में जो शायद से कहीं मिले आपको, तो आज वो हम कवर करेंगे और भैया दिखाएंगे। तो भैया अब होने वाला धमाल, आपको ऐसे ऐसे कारीगर चरखे मिलेंगे 6 रील के ऊपर, वो भी स्पेशल प्रीमियम क्वालिटी छतों के लिए आने वाली अभी ये वाली। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हमारे बेली लॉइन से, और ये कौन सा धागा है इसके अंदर भैया? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे फेवरेट कारीगर हैं बरेली लॉयन फरीद भाई, इनसे अच्छी बातचीत होती है, अच्छे मिलनसार आदमी है ये मैंने बनवाया उनसे 8400 पे, ये देख सकते हैं। तो लॉयन का 84 के ऊपर देखिए यहाँ पे और ब्लैक कलर है ये, नहीं थोड़ा हाँ ब्लैक कलर है देखिए, और ये हैमर के ऊपर बनी डोर है लॉयन के। ये देखो लॉयन, ये 12 रील की चरखी पे 6 रील बना हुआ और है। इसकी धार देखो आप, इसकी धार पूरा इंडिया जानता है कि हाथ लगे जुआते नहीं है, इसकी धार का तो कोई मुकाबला नहीं हो रहा है इस टाइम। अब इसके आगे प्लास्टिक मंजा क्या करेगा आप देखो। बिल्कुल ये बात मैं आपकी जनरल बोल रहा हूँ, कह सकता हूँ ये आराम से प्लास्टिक को भी काटेगा, बहुत आराम से हाथ लगाते हुए जाता था कि भैया किसी कहते ना कि आपने वो पकड़ लिया चाकू धारदार पकड़ लिया कि भैया अंदर बस काटने को तैयार है ये वाला, बहुत ही प्यारी धार इसके अंदर। तो ये आपको दिखाते हैं, अभी और भी आएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये कहते ना कि अभी स्टार्टिंग में बम फोड़ा, अभी तो एंड में बम फोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब चलते हैं, आपको बहुत से कलर मिल जाएंगे, देखिए लाइट कलर हो गया दोस्तों, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा ड्रैगन लॉयन का कोई भी कलर हो उसमें आपको शार्पनेस मिलेगी ही मिलेगी, पता नहीं क्या करते हैं लेकिन शार्पनेस का मुकाबला अलग ही है इनका, नो डाउट। उसके बाद आपको बरेली लॉयन 1-2-3 में भी मिल जाएगी मेरे पास 6 रील के अंदर, देखिए दोस्तों ये लॉयन है और 1-2-3 के अंदर है, इसमें देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप छतों का शौक नहीं है, मैदान का शौक करते हैं और आपको लॉयन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है बारिश में, तो आप 1-2-3 की डोर 6 में जाके ले सकते हैं। इसीलिए बनवाइए कि जो खरीदने वाला है उसकी जेब पे एक साथ लोड नहीं जाए, राइट, और टेस्टिंग भी हो जाती है, टेस्टिंग भी हो जाती है, 6 रील लेके वो यूज करे आराम से, समझ में आए तो और ले, नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात। देखिए तो लॉयन का दिखाया 84 में भी 1-2-3 में, और सबसे बढ़िया ये इन चरखियों पे बनाने का कारण है ये सेफ भी रहे, सेफ रहती है ये, तो भैया खाली होने के वापिस से भरवा लो या सदी भरवा लो इसके अंदर, यूज नहीं है ये। और उसके बाद चलेंगे, उसके बाद चलते हैं अपन वीर चक्र की तरफ। ये देखिए ये हमारे वीर चक्र है, ये 84 के ऊपर है, 6 रील में, क्वालिटी वीर चक्र की है लेकिन धागा 84 का, हाँ। क्या बात है दोस्तों, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है 8E8400 जो हमारे वर्धमान की डोर है, और ये हमारे जो कारीगर वीर चक्र बीकानेर में बहुत डिमांड रहती है इनकी, मतलब देखिए आप इनकी डोर देखिए एक बार, जाकिर भाई की बहुत ही प्यारी डोर दिखा रही है, लच्छे रुक नहीं पा रहे हैं, अपना निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना जो चरखे लगे हैं ना चरखों से ना कहते ना कि डोर की एक क्वालिटी और बढ़ जाती है अपने आप ही, क्योंकि बीकानेर के चरखे इतने मजबूत है उनमें डोर की शो अलग हो जाती है। तो देखो दोस्तों ये आपको वीर चक्र यहाँ पे 84 के अंदर शायद से कहीं मिले, 84 के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको दिखा है जाकिर का वीर चक्र, वो भी 84 पे। अब हमारे बशीर भाई का बशीर बैग नंबर 1, ये 1-2-3 लग रहा है मेरे को, नहीं ये भी 84 पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 84 लिखा हुआ है और बशीर बैग का नंबर 1 आ गया 84 पे, कलर देखिए। तो दोस्तों अगर आप बीकानेर में और छतों का शौक करते हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं खाली बीकानेर में, भैया ने बोला कि ऑल इंडिया डिलीवरी अगर आपको पसंद आता है तो आप उनसे डिलीवरी ले सकते हैं, आप बस भैया का नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, व्हाट्सअप कीजिए, प्राइस पूछिए, पसंद आए पेमेंट कीजिए और डिलीवरी दीजिए। और फिर से बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाई शॉप है बीकानेर की, विच इज 52 ईयर्स ओल्ड टाई शॉप। ये है धमाका जो लेके आते हैं AMR का शिकायत नंबर 1, 6 रील में, शायद से कहीं किसी ने देखा नहीं होगा, और ये धागा भी 8400। वाओ दिस इज नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज मतलब ये एक बिल्कुल नया सरप्राइज है मेरे लिए भी कि 84 में आपने ले आए शिकायत नंबर 1, वो भी 8400। और ये प्रीमियम क्वालिटी आती है 1-2-3, ये इसकी सबसे टॉप क्वालिटी है, इसमें 1-2-3 भी मिलेगा अपने पास 6 रील में, ये 84 पे है, ये 1-2-3 पे, इसमें आप देखो 1-2-3 लिखा हुआ होगा, 1-2-3 तो AM मतलब हसीन लल्ला का सबसे टॉप ब्लॉक 6 रील में अवेलेबल है, वो भी 1-2-3 प्लस आपका 84 के ऊपर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है ये। मैंने कहा ना कि आज आपको धमाके मिलने वाले हैं एंड यू विल बी ग्लैड। एक और धमाका ये अयान टॉप स्टार, अब ये धागा कौन सा है? ये 84, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये पहला है शायद से अयान का टॉप स्टार, वो भी 84 के अंदर, क्योंकि अयान का 7 स्टार आया था 84 में लेकिन टॉप स्टार नहीं आया था, अपन ने टॉप स्टार बनवाया। अरे वाह, तो ये तो इनके तो हम शॉट लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो धमाका है बिल्कुल अव्वल नंबर का। और इसमें 84 में 6 रील और 1-2-3 में 6 रील दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, प्लस 1-2-3 में 12 रील टॉप स्टार, वो भी टॉप कब लोगे? टॉप टॉप। अरे बाबा बहुत बढ़िया, ये नया मतलब मजा आ गया ये वाला तो। ये देखिए आप, अब आपको दिखाते हैं ये भी, मतलब करना
ये पूरे के पूरे बम पड़ रहे हैं। ये देखो भैया यूनुस इकबाल का सबसे टॉप लोग है, दुनिया मांगती रहती मिलती नहीं है, वो भी चेरी में यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए धागा भी 8100 बाबा, ये तो मतलब पूरा दिल्ली और पूरा कहते हैं बीकानेर छोड़ो दिल्ली भी हिल जाएगा इससे। तो यहाँ पे सब चीज अवेलेबल है यूनुस इकबाल का, मतलब कहते हैं कि सबसे टॉप ब्लॉक लच्छी बोलते हैं, वो भी 84 के ऊपर। ये 1-2-3 में भी अवेलेबल है, 1-2-3 में, 6 रील में, 12 रील दोनों। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इन सब के हम शॉर्ट करेंगे एंड बिलीव मी, ये तो मतलब कहते हैं ना कि इससे बड़ा धमाका नहीं हो सकता। और अभी भी रुके नहीं है, आज बैक टू बैक धमाके होने वाले हैं। एंड यू गाइस ग्लैड टू सी कि भैया अब मतलब हिल जाएगा, पब्लिक हिल जाएगी भैया, ऐसी चीजें मिलेगी ना यहाँ पे। मतलब अयान का टॉप स्टार वो भी 8400 के अंदर। अभी अयान का टॉप स्टार 1-2-3 में, 6 देखिए 1-2-3 में अयान का टॉप स्टार, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। नो बीकानेर के चरखों, बीकानेर के चरखों के ऊपर, ये तो खासियत है बीकानेर की चरखे यहाँ पे। बीकानेर के सब पर मैंने देखा कि यहाँ उन मैदान भी गया तो वहाँ भी सब चरखे बीकानेर के लगे होते हैं, यहाँ पे उड़ाते भी वही है। अब यूनुस इकबाल का ये आ गया 90998, ये भी मत बोलेगा 84 पे, नहीं 84 पे नहीं है ये, ये है 1-2-3। चलिए तो देखिए छेरिल में सबसे बड़ी बात है, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया, मतलब छेरिल में धमाका है, धमाके आए हैं ये तो, नो डाउट मजा आ गया देख के। और मैं फिर से बोलूंगा बहुत पुरानी शॉप है, अंकल खुद जाके लगवा के लेके आते हैं, तो कहीं भी आपको लगता है ना कि जेन्युइन है कि नहीं तो अंकल से बात कीजिए, अंकल आपको कारीगर से ही बात करवा सकते हैं कि भैया जेन्युइन है कि नहीं है, तो इसकी जैसी गारंटी मिलेगी यहाँ पे 100% गारंटी। बहुत ही बढ़िया, ये होगा धमाका और विद ऑल इंडिया डिलीवरी मेरे भाइयों। अगर आपको चाहिए शिकायत नंबर 1-8400 पे छेरिल के अंदर, तो सबसे बेस्ट शॉप है आपके लिए, यहाँ पे फोन कीजिए, ऑर्डर दीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों अब भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मांझे बाल के भी दिखाएंगे, अभी तो चलना है एक जगह पे और, बट उससे पहले कुछ सर्दी यहाँ पे, मुरादाबाद की सर्दी रखी हुई यहाँ पे, देखिए उस्ताद बिंदी, कहते उस्ताद बिंदी तो वो है, मुरादाबाद वाले हैं ये, और मुरादाबाद की सर्दी है यहाँ पे। ये किस तरह से स्टार्ट हो जाती है, ये अपने पास 500 रुपए से स्टार्ट, 500 स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चों के लिए कुछ पांडे जो थोड़े सस्ते रेंज में आते हैं मेरे ख्याल से, सस्ते रेंज के अंदर आते हैं, 9 तार 6 तार सारे मिक्स है इसमें, 28 हो गए यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो मतलब आज तो कहते ना कि मजेदार हो गया, अभी हम इनको करेंगे वीडियो का, भैया को बोला हमने इसको रख के अभी वीडियो करेंगे। अभी धमाका खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ रह गया है, तो आगे आए हैं, अब नई जगह पे आए हैं, तो भैया कुछ बोल रहे, भैया कुछ बता रहे थे आप। अब सुनिए भैया, आपके लिए खुलने वाला एक और खजाना, चलिए जहाँ भी अपन नई जगह जा रहे हैं, ये सारे मेरे गोदाम है, यहीं पे ही बने हुए हैं सब कुछ। अब आप देखिए ये सारा पूरा इस साल का स्टॉक है, ये जो अभी लेके आए हैं पूरा फ्रेश स्टॉक है। और सारे देखिए यहाँ पे दिखा, तो आपको यहाँ पे देखिए लॉयन दिख रहा है, यहाँ पे अर्शद भाई की डोर दिख रही है, यहाँ पे टॉप स्टार दिख रहा है, यहाँ पे मिर्जा जी दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो मजा ही आ गया। देखिए टॉप स्टार यूनुस इकबाल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत इदरीश सब है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस बार शिकायत देखिए एएमआर का शिकायत नंबर 1 यहाँ पे आ गया चरखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको दिखाया था छेरिल में 1-2-3+84 यहाँ पे जो आया, ये 1-2-3 के ऊपर आया स्पेशल टूर्नामेंट के लिए जो रहता है। और मैं बताऊं कि बीकानेर में जैसे अंकल बताया भैया ने कि खुद अपने मटेरियल लेके जाते हैं और टॉप से टॉप क्वालिटी का मांझा लगवाना पसंद करते हैं, तो आज तो दिन बन गया, इतने घूमे हैं लेकिन ये चीज देखने को मिली अलग और बहुत ही हाई एंड पे, मतलब कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे ये काम हुआ यहाँ पे। और ये लीजिए यूनुस इकबाल देखिए, चरखा देखिए कितना प्यार लग रहा है, और ये 1-2-3 पे है, ये 1-2-3 पे 12 रेट देखिए, चरखा देखिए, मैं कहूंगा देखिए कितने प्यारे चरखे हैं ये, चरखे बड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं मुझे देखा जाए तो। ये चरखे आपने खुद लगवाए रख के बोलते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे चरखे। और मैं प्राइस का बोलूंगा कि प्राइस के लिए भैया को व्हाट्सएप कीजिए, प्राइस लीजिए, आपको पसंद आता है कोरियर लीजिए, बाकी प्राइस भी रीजनेबल मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा प्राइस मांग रहे हैं हम, नहीं, जो रीजनेबल प्राइस होंगे आप कारीगर से पता करें, उसके बाद आप देखेंगे हमारे क्या कॉस्ट आ रही है, बस राइट हम ये चाहते हैं गलत प्राइस भी हम नहीं मांगेंगे। चलिए ये बात बताने वाला दोस्तों कि आजकल प्राइस हर जगह ओपन है, अगर फालतू मांगे तो आपको पता ही कहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई नहीं चाहेगा कि अपना ग्राहक जाए, प्राइस सारे मिलेंगे, आप एक बार देखिए और क्वालिटी देखिए। और सबसे बड़ी बात है जो मेन यूनिक रहेगा कि अपने मटेरियल डलवा के बनाए जाते हैं ये मांझे सारे, उसी की बात, और कहीं मर्जी हो सबसे खुद जाके वहाँ पे टाइम देते हैं, बैठते हैं, तो इसका वीडियो दूंगा आपको, आप देखना वहाँ के वीडियो मेरे बरेली के, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इसमें देखो असील, ये आगे आपके 0307 असील लला शिकारी नंबर 1 राइट, ये असील लला नंबर 1 आ गया, ये दोनों चरखे हैं सोनू भाई की, जयपुर वाले सोनू अब्बासी के। अच्छा जी, उन्होंने कहा था मेरे लिए स्पेशल तैयार करवा के लाना, मैं क्या बात है, क्या बात, उनकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया 12 रील वीर चक्र आ गया, ये 1-2-3 पे, इसमें भैया जो भी मांझा है वो सारा 1-2-3 पे मैदान के लिए जो स्पेशल जो यहाँ पे, और मैदान की पतंगबाजी पूरे 12 महीने की होती है, और ग्राउंड तो यहाँ के इतने बड़े हैं ना भैया, आप कहीं मर्जी पतंग उतार दो, आज ऐसे पेज देखे हैं जो जमीन तक पेज पहुंचे हैं यहाँ पे, ये बरेली लॉयन आ गया यहाँ पे 1-2-3 पे और लॉयन के बाद आता है बरेली ड्रैगन।
यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा वेज ड्रैगन भी यहाँ पर, जिसको आप मंगवा सकते हैं फ़ोन करके कॉल करके, नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे एज वेल एज वीडियो के अंदर। नो डाउट मजा सा आ गया ये तो आज, आज दिल ना एक अलग अल्जेन मार्कोस जो अभी लेटेस्ट उनका नया व्लॉग है ये, अब आई थिंक यही बना रहे मेरे ख्याल से। हाँ अभी यही बना रहे। चलिए चलिए, ये 1-2-3 पे मिल जाएगा आपको, सब प्रीमियम क्वालिटी का मांजा आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों, आज दिल खुश होने वाला है। ये देखिए मिर्जा जी आ गए यहाँ पे, मिर्जा जी के देख दो 1-2-3 के ऊपर, और कलर देखिए यहाँ पे, और ये मेरे टॉप लोग हैं इनके जैसे टॉप लोग। तो दोस्तों मजा आ रहा देख के कि मतलब एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारीगर, एक से बढ़कर एक डोर यहाँ पे मिल रही है, और मजेदार। अब इद्रिश की डोर यहाँ पे भैया के हाथ में आई है, हम सब नहीं दिखाएंगे तो बहुत मेगा से सब यहाँ पे है, जो मेन मेन जो यूनिक है, यहाँ पे प्रमोद बैग रखा हुआ है, ये देखिए इद्रिश की डोर, इद्रिश का ये स्टार 1926 और पूरी बैजिंग के साथ आया इस बार, आप देख सकते हैं बहुत ही अल्टीमेट। एक हमारे प्रमोद बैग का भी यहाँ पे वो दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रमोद बैग का आपको धमाका दिखाऊंगा मैं, आप खुद बोलोगे ये एकदम नई चीज है। अरे क्या बात है, मेरे हिसाब से अगर आपने देखा हो तो, पता नहीं मुझे, बहुत कम लोगों को मिलता है ये। ये देखिए ये फरमूद बेग का कलर, अरे वाह बिल्कुल कहते ना कि जबरदस्त यूनिक कलर, और फरमूद बेग की डोर है ये स्पेशल बीकानेर की, और मौसम के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया यहाँ की, बहुत ही जबरदस्त। तो ऐसा ही खाली बीकानेर के लिए आप इसको डिलीवरी करवा सकते हैं अपने एरिया में, भैया ने बताया कि और इधर डिलीवरी मिलेगी, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। आज मतलब कहते ना कि पटाखे डल रहे हैं, पटाखे जो हम पंजाबी में कि पटाखे पै गए, तो पटाखे पै गए हैं यहाँ से वहाँ हर चीज कुछ। ये हमारे अर्शद भाई की पावर नंबर वन है, बहुत ही शार्पनेस हर चीज में, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और हम कहीं ना कहीं मांझा मंडी के कुछ सचिव भी आते हैं, हाँ, उसमें आते हैं ये। अरे ये तो बड़ी भाई साहब, नाम भी लिखा हुआ है अहमद भाई, अहमद भाई की डोर है, और यहाँ पे भैया का नाम अजय भाई, पापा का नाम है राजू भाटी, राजू भाटी देखिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे जेपीसी की डोर पे ये। चलिए दोस्तों ये अहमद भाई बहुत पुराने हैं, और मेरे दादाजी से बहुत अच्छे संबंध है इनके, बहुत पुराने। क्या बात है, इनके घर पे ही रुकते थे हम, बरेली जाते थे पहले, और अब हम रुकते हैं मकसूद भाई के यहाँ, मकसूद भाई के पास। ओके तो दोस्तों ये है यहाँ पे, और जबरदस्त यहाँ पे देखिए टॉप स्टार 1-2-3 बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये आपको बाहर दिखाए, लेकिन धमाके जो थे ना 1-2-3 भी दिखा चुके हैं, 84 भी दिखा चुके हैं सारे टॉप लोग। ये अश्वनी भैया का निंजा, ये हमारे टॉर्चर, ये इनका टॉप लोग है यहाँ पे, चेहरा कितना प्यारा लगा हुआ ये वाला, तो यहाँ पे अवेलेबल है भैया के पास, तो आप इनको ले सकते हैं यहाँ पे। और फरमूद बेग का बहुत ही प्यारा कलर दिखाया भैया ने, नो डाउट। बशीर बेग की डोरे आ गई यहाँ पे, अरे वाह बशीर बेग, 1-2-3 पे बशीर बेग नंबर 1, बहुत आजकल बहुत डिमांड में रहती है ये डोर, बहुत डिमांड में रहती है, बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। अभी तो मैं डिमांड का एक धमाका और दिखाऊंगा आपको, अरे वाह, तो आज मजा आने वाला है। यूनिस इकबाल 90998 देख सकते हैं यहाँ पे, आज मजा आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का। मतलब ना कि थोड़ा लेट आए, लेकिन कहते ना कि टाइम पे आए। यहाँ पे देखिए भैया स्टॉक निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भैया स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि हर चीज दिखा सके और कुछ छूटे ना, और जो आपको समझ में आता है ना भैया से बात करके, किंग नंबर 1 अजीम भाई की। हाँ। बहुत मतलब पीक में कहीं गुम हो गया था, लेकिन वापस आप बना रहे डोर ये, और ये देखिए, अरे ये फहीम रजा की डोर 90, सब 1-2-3 पे, सब 1-2-3 आराम से उड़ाइए, मैदान पे जाके कोई टेंशन नहीं है, और सब जेन्युइन मांझा मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, सब निकल रहा है यहाँ पे। अजीम का 7-स्टार हो गया यहाँ पे, बहुत प्यारा, मतलब आज एक से बढ़कर एक चीज मिलेगी यहाँ पे। ये अर्श रजा का, अर्श रजा ये हमारे अर्श जो अभी अब आई थिंक बेटे ही कर रहे हैं काम संभाल रहे हैं ये वाला, अभी बहुत अल्टीमेट, बहुत कुछ है अंदर भैया निकाल रहे हैं यहाँ पे, आप सबके लिए दिखाना चाहते हैं। ब्रेली लॉयन जी बताया कि 1-2-3 में मैं उड़ाता हूँ, आपने 84 भी दिखाया था आपको, अब ये 1-2-3 पे बारिल के आगे, बारिल के अंदर, ये बहुत अच्छी डोर, बहुत अच्छी, सस्ते में अच्छी डोर ये कहना पड़ेगा, ये कह सकते हैं अपन इसके, राइट। अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। ये अर्शद भाई का ब्लैक पैंथर पुराना ब्लॉग है इनका, बहुत पुराना ब्लॉग है वाला, नो डाउट। एक से बढ़कर एक चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, और अभी भी कहते ना कि पिक्चर बाकी है, तो दोस्तों कहीं जाइए मत, यहाँ पे पिक्चर भी बाकी है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यूएसआर का चरखे रखे हैं, हमारे रफन उसार के चरखे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यूएसआर के चरखे रखे हैं, अरे वाह, तो ये सब उस्ताद रफन के चरखे घर से आए हुए हैं,
और बहुत ही प्यारी पतंग। अभी बीच में आगा भैया भी गए हुए थे यहाँ पे, इनके यहाँ पे देखा मैंने, और ये इमरान भारती की फेमस था, ये हमने यहाँ सोनू भाई के पास भी देखी थी वहाँ पे, सोनू भैया खास दोस्त, खास दोस्त है ये नो डाउट। आजम ये धमाका है, ये धमाका देखिए, आदम का 7 स्टार यहाँ पे अवेलेबल है। इसका भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने ब्लॉक 7 स्टार रखा है, पर अभी इन्होंने डोर बनाने का तरीका कोटेड डोर बनानी चालू कर दी, डबल कोटेड, डबल कोटेड डोर, क्या बात, बहुत ही शानदार डोर बना के दी। चलिए तो ये अवेलेबल रहेगी आपके पास विद ऑल इंडिया डिलीवरी के अंदर भाई, और तो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मानजे एक से बढ़कर एक है यहाँ पे, आराम से भैया। और ये देखिए अभी कुछ और भी आने वाला है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इंग्लिश की डोर रखी हुई है, यहाँ पे काफी रखा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ह्यूज लेवल पे स्टॉक है, ये हमारे सलीम बनारसी जी की डोर है, ब्लैक इंडियन बहुत ही है, जिनका भी रॉकेट चार कर दिखा था, आजकल बहुत अच्छा लड़ रही है, कोलकाता में काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके, यकीन। और अब आपको मैं धमाके की जो बात कर रहा था, ये लो धमाका, शूरवीर का मतलब निसार खान शूरवीर, अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है ना इस टाइम पे, मैंने कईयों के बैग में देखी है डोर, कईयों के बैग में शूरवीर नंबर 1 बहुत देखिए, और यकीन मानिए अपने हाथों डोर लगाते हैं, खुद देखा हुआ मिला हुआ, अच्छा खासा बहुत हेल्थी से इंसान, और जो डोर खींचते लगता है कि कुछ करके दिखाएंगे, राइट। तो दोस्तों आप देख रहे हो आज आपके सामने ना, मतलब वी आर एट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्काई शॉप ऑफ बीकानेर, जो ऑलमोस्ट 52 पॉइंट शॉप है, और जो सबसे बड़े धमाके रहे हैं 6 रील में, ऐसे ऐसे चरखे दिखाए, वो भी हैमर के ऊपर से, अयान का टॉप स्टार शिकाई नंबर 184 के ऊपर, तो इससे बड़े पटाखे तो कहीं दिखेंगे नहीं भैया। और उसके बाद ये 1, 2, 3 में इतने धमाके दिखा दिए हैं कि यार, मतलब ये देखिए इंद्रिश भाई की डोर आ चुकी है यहाँ पे, देखिए ये इंद्रिश, आई थिंक कौन सा आईटी ब्लॉक है, कौन सा इनका आईटी ब्लॉक है, राइट। और चरखा देखिए यहाँ पे इंद्रिश भाई, कितना प्यार चरखा लगा हुआ है, ये आज दिन बन गया, सुबह गेम देखा बढ़िया, और शाम को इतनी बढ़िया वीडियो हो रही है, तो दिन एक नेक्स्ट लेवल का हो चुका है, और मजा ही आ गया भैया आज का पूरा स्टॉक, लेकिन वो भी एक सैंपल था, देखिए पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो वो सैंपल दिखाए थे आपको, और यहाँ पे पूरा भरा हुआ, तो आप देख सकते हैं, तो पूरा स्टॉक अवेलेबल है। और अगर आप बीकानेर में हैं और आपको आप अक्षय तृतीया पे शॉपिंग करनी है, तो आई बिलीव द वन ऑफ द बेस्ट स्काई शॉप यहाँ पे सजेस्ट करूंगा मैं, ओल्डेस्ट स्काई शॉप, ऊपर से सारा स्टॉक खुद जाके लगा के ले जाते हैं, और ऐसे ऐसे प्रीमियम धागे दिखाए ना, कारीगर दिखाए हैं, जो शायद से हिंदुस्तान में कहीं और मिलेंगे आपको। तो भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये हमें स्टॉक दिखाया, फिर से बोलूंगा, रिपीट करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो मंजूरी होगी वो 6 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, अद्धी आपकी 7 से स्टार्ट है, पोना आपका है 4.5 से स्टार्ट हो जाता है, और रॉकेट के अंदर 250 रुपए से आपकी 3 स्टार्ट होती है, उसके बाद तो रेंज ही पकड़ लीजिए, एमआर नंबर 1 आपका, टॉप स्टार क्या कुछ भी लीजिए, यहाँ पे सब मिलेगा आपको। तो थैंक यू मनीष, थैंक यू अमित भैया, थैंक यू सो मच, आपने हमें इन्वाइट किया, मजा आया यहाँ पे, इतना ह्यूज स्टॉक देख के दिल खुश हो गया, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू, फिर नेक्स्ट टाइम जरूर बताना, डेफिनेट बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम अभी हम आएंगे अक्षय तृतीया 1 हफ्ते पहले का हमारा प्लान है, तो वापस कवर करेंगे आपको, फिर हम आके जरूर जरूर सर, ओके।